मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज करने जा रहे हैं हम एक अपनी लाइफ में बहुत बड़ी शुरुआत। आज तक हमने ऐसा नहीं किया और करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जा रहे हैं आज जिम, और जिम जाके देखते हैं हम लोग वहाँ कैसे एक्सरसाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। शमी जी तो गए हैं, मैं कभी नहीं गई। मैं कभी नॉर्मली भी कोई एक्सरसाइज घर में नहीं करती हूँ। तो देखते हैं जाके, आपको आज आपको दिखाएंगे पूरा जिम का ब्लॉग शूट कि हम वहाँ कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी क्या हालत हो रही है। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी, पहन रही हूँ सॉक्स और शूज़। तो यहाँ शमी जी भी आ गए अपने शूज़ लेके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो भैया, आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं जिम। तो काफ़ी टाइम बाद मैं भी जा रहा हूँ, कम से कम 4-5 साल 6 साल पहले गया था। उसके बाद तो हमने घर में ही एक्सरसाइज सब कुछ करना छोड़ ही दिया। तो अब करते हैं शुरुआत। थोड़ा फैटी हो रहे हैं, जिम जाके थोड़ा फिट होते हैं, क्योंकि फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज दिखाते हैं आपको अपना जिम का वर्कआउट। ये है हमारा जिम। तो आज हम आए हैं जिम में। तो आज हमारा फर्स्ट डे जिम, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी चलता हूँ मैं ट्रेडमिल पे, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो काफ़ी टाइम बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मुड़ रहे हैं। मैं तो कम से कम 4-5 साल बाद जिम आ रहा हूँ। मैंने ये एक्सरसाइज कर ली है, अब मैं जाऊंगी इस पे। और यहाँ सारे फाइनली हमारा सारा वर्कआउट हो चुका है डन। और क्या बताऊँ, हालत ख़राब है। तो लोग फर्स्ट डे तब देखते हैं घर जाके, लोग बोल रहे हैं कुछ दिन तो काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहेगी हमको। तो बस अभी कितना, 1 घंटा हो गया हमको आए हुए ना, 1 घंटा हो गया हमको आए हुए। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो लोग निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको घर पे जाके कि हमारा डाइट भी प्रॉपर चार्ट उन्होंने बना के दे दिया हमको, क्या खाना है हमको क्या नहीं। और आज से मुझे 3 मंथ्स तक होगी प्रॉपर। अभी मेरा वेट है 67 kg और मुझे इसको लाना है 57 या 10 kg कम करना है। अब 2 महीने में करती हूँ, 3 महीने में करती हूँ, 4 में करती हूँ, देखते हैं। आप लोग खुशी हो। तो गाइस, वर्कआउट हो चुका है हमारा कंप्लीट। काफ़ी ख़तरनाक वर्कआउट किया आज हमने, थक गए हैं। अभी चलते हैं घर की तरफ और करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भी कुछ लाइट, अब तो सब कुछ लाइट लाइट ही है। तो जल्दी से जल्दी अपने पेट दिख रहा है, इसको कम करना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो ठीक है भैया, अब मिलते हैं आपको घर में। तो गाइस, हमारा जिम हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो धूप देखो, सुबह सुबह इतनी हो गई तो मुँह उन्होंने लपेट लिया, तो बस निकलते हैं वो घर की तरफ। तो भैया, अभी हम पहुंच चुके हैं जिम से घर। तो आज था हमारा फर्स्ट डे जिम। तो काफ़ी मज़ा तो आया, लेकिन दर्दें भी हो गई थोड़ी थोड़ी ना। अब 1-2 दिन में पता लगेगा। आज वर्कआउट भी ठीक ही किया और पसीना देखो, हमें हालत ख़राब हो गई है। मज़ा आया ना, काफ़ी मज़ा, इन्जॉय किया एक्सरसाइज की। थोड़ा जिम हमारी काफ़ी अच्छी है, सारे कोऑपरेटिव है, हमारे जो ट्रेनर है बहुत अच्छे हैं। और हम कभी कुछ, जब हम गए थे कभी सोया था, अभी कभी उठ गए हैं। तो बोल रहे हैं मैं 5 बजे का उठा हुआ हूँ, कभी आप दिखाओ तो कितने बजे उठे हो आप बेटू, वो कितने बजे उठे हो, कितने बजे उठे आप? 2 बजे का उठा। तो गाय जिम से आके अब मैं पीऊँगा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, और पानी पियेंगे हम कौन सा रोडो ड्रिंक कंसंट्रेट।
तो ये हम पिए क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो ठंडा ठंडा इस तस्वीर इसकी ठंडी होती है। तभी बनाता हूँ मैं पानी, इसको एक ढक्कन इसको डालो और उसके बाद इसमें डालो पानी। तो गाइस ये बन गई हमारी एनर्जी ड्रिंक, देख सकते हैं आप। अभी मैं देखता हूँ सोनिका जी को। तो गाइस मैं पी लूँ अभी, कौन सा जूस है ये? करते हैं कुछ मजेदार सा नाश्ता, हेल्दी सा, देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग अभी। हमने भी ले लिया एनर्जी ड्रिंक, तो भी पीते हैं। बैठने में भी दर्द नहीं हो रही है हमें, यहाँ ऐसी गया। कैसा रहा आपका वर्कआउट? कौन कौन से वर्कआउट किए? डम्बल डम्बल उठाए? मजा आ गया। अभी गाइस मैं कर रहा हूँ लाइट एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा वेट नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मिडिल बैक में यहाँ दिक्कत है, पेन है, तो इस वजह से मैं जिम भी नहीं जाता था ना कुछ एक्सरसाइज करता था। तो अभी मैंने सोचा कि एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, तो शायद इस एक्सरसाइज करने से ठीक भी हो सकती है, काफ़ी लोगों को ठीक हो जाती है। तो तभी मैंने जिम अब शुरू किया है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे अभी मेरे को दिक्कत हो कुछ, मैं ना कुछ बारी चीज़ें तो उठाता नहीं हूँ, वेट को मैं बिल्कुल भी नहीं उठाता हूँ क्योंकि पापा को बैक पेन है। तो अभी भी मैंने जो जिम में एक्सरसाइज करी, जो डंबल वगैरह उठाए, वो सब लाइट ही करे, 10-10 किलो तक ही मैं सीमित रहा, 10 से 15 किलो के बीच थोड़ा टाइम, 10-15 दिन ऐसे करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि तब वेट बढ़ाएंगे, पहले नॉर्मल से ही शुरू करते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेन हमारी बॉडी है। तो ठीक है भैया, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। अब करता हूँ 10-15 मिनट रेस्ट। हे गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 7, तो फाइनली हम लोगों का जो जिम का असर दिखा वो घर आने के बाद दिखा, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है शोल्डर्स में, और कल अब फिर से जाना है, कल क्या अब रोज़ ही जाना है। एक पंगा तो हमने ले लिया है, बट चलो करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं बनाती हूँ कुछ खाना। अभी हमने सुबह हम लोगों ने ब्राउन ब्रेड और वो खाया था, सॉरी ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाया था, और अब दोपहर को फिर हम लोगों ने लाइट सा होती है, दो रोटी और दो चपाती और सब्जी, और अभी देखती हूँ अभी क्या बनाए हम लोग बच्चों के लिए। तो खाना बना हुआ, मैं सोच रही हूँ ओट्स बनाती हूँ खुद के लिए, और हमारा डिनर वही हो जाएगा। और हमारे बच्चे कुछ नहीं करते हैं पूरा दिन, बस बेकार बैठे रहते हैं। जिसका होमवर्क ही नहीं खत्म हो रहा है, इसके होमवर्क खत्म हो तो उसको ट्यूशन लगवानी है मैंने, पर ये लड़की अपना होमवर्क ही खत्म नहीं करी, बैठी रहती है पूरा दिन, ऐसा नहीं बैठती ही है, बैठती पूरा दिन है पढ़ने पर होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करती रहती है। मैथ एक ने तो और एक ने तो हाथ ही नहीं लगाया अपनी बुक्स, हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, जब भी पढ़ने के लिए नहीं है, जब भी पढ़ने के लिए बोलो तो उसका रोना शुरू हो जाता है, बोलता है मेरी बुक्स दे दो किसी को, मेरा बैग दे दो किसी को, मैंने नहीं जाना स्कूल, या फिर बहाने मुझे हाथ दर्द हो रहा है, मुझे पैर दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। तू भी ऐसे लगाती है छोटे में, आ गया। ये है वो शख्स जो 24 घंटे फोन देखता है, जिसको पढ़ने का कोई पता नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है कि स्कूल जाना है इसने, और 15 दिन के बाद क्या कर रहे हो? बस फोन। मैं ना मैं स्केप कर रहा हूँ। कौन सी गेम खेल रहा है? मम्मी लॉन्ग लेग्स। पता नहीं कौन सी गेम्स है, अजीब अजीब से नाम, कभी मोरका, कभी मम्मी लॉन्ग लेग्स, पता नहीं क्या क्या, मुझे कभी डोगरा, दिमाग खराब हो गया आपका। क्या बोला? क्या बोला ये जी? क्या बोला आपने? तो भैया देखा, बच्चों का स्कूल रहने का असर ना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, फ़ोन ने इनको बिगाड़ के रखा है, दोनों फ़ोन पकड़ते हैं, गेम पकड़ते हैं दोनों, अलग अलग। किसने बोला पढ़ती रहती? अभी फ़ोन पर छोड़ के आइए, भी जबरदस्ती लाया बाहर इनको। फिर से बोल जरा, नहीं फिर से बोले एक बार, फिर से सॉरी बोलो, सबको सॉरी बोलो, इधर देख के मेरे को, तारी कैमरे में, तारी कैमरे में, तारी ढंग से भैये, तारी तो भैया अब हो चुका है यहाँ माहौल गर्मा गर्मी का, तो सब कुछ पड़ गई आज मार, चल तू उठ, रो मत,
सुबह सुबह ही हो गया अच्छा बात है हो गया भाई ये हो गया बस अरे बस भाई चलो उठ जा चलो खाना बनाते हैं फिर खाना खाएंगे मैं फोन दे दो मैं फोन इतनी मार खाने के बाद भी इसने फोन ही ले लिया तो गाइस कबू को पड़ी है बहुत ज्यादा मार क्योंकि इसने करी है बहुत ज्यादा गंदी बातें अब करेगा फिर से अब ये बैठ गए हैं नीचे अब हम सबसे किसी के पास नहीं आ रहे हैं क्यों करते हो आप ऐसी गंदी बातें नहीं करूंगा हमेशा ऐसे बोलते हो फिर वही हरकतें करते हो बोलोगे फिर से गंदी बात अच्छे बच्चे हो ना आप फिर होना बंद कर दो तो आपने गंदी बात करी ना तो आप गंदी बात करोगे तो मार पड़ेगी ना आपको ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है क्योंकि तू तो मेरी जान है अब ठीक है अपनी मारो अपनी रोना है ओके गंदी बात भी नहीं करनी है ठीक है अच्छे बच्चे बन के रहना है ठीक है अब क्या खाएगा एग खाएगा चल एग बनाती हूँ मैं आपके लिए ठीक है गुगी आप क्या खाओगे एग आप भी एग खाओगे ठीक है दोनों की एग बना देती हूँ और फिर सो जाओ दूध पी लो एक गिलास एक एक गिलास ओके फिर सो जाएंगे मैं बॉटल से पीऊंगा। तो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए एग क्योंकि इन दोनों को खाना है एग ऑमलेट ऑमलेट खाने की भुर्जी खानी है भुर्जी खानी है ओके आपने भुर्जी खानी है मुझे ना चिकन खाना फ्राई करके ओके चलो मैं दोनों के लिए एग भुर्जी बनाती हूँ तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में डिनर के साथ मैंने बच्चों के लिए एग भुर्जी बना दी है यहाँ होगी एग भुर्जी रेडी और यहाँ बना दी मैंने चपातियाँ भी कबू और डुबू का डिनर ये हो जाएगा और हम लोग खाएंगे और सबने लिए तो बस क्या डिनर बाकी चावल भी बन गए हैं हाँ चावल भी बना दिए दाल चावल भी खाने होंगे तो वो खा लेंगे हम तो चावल खाएंगे नहीं तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एक मिनट गुड नाइट बाय बाय